राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए यार, कितना सुंदर सा तोरण बनाया है मैंने, रोज फ्लावर वाला। बहुत इजी डिजाइन है, बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे। इसमें कितने मोती कितने साइज के लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। ये देखिए, जरूर ट्राई करना, बहुत ही इजी सा डिजाइन है। देखिए इसमें मैंने चार कलर क्यों नहीं यूज करी है, ये चार, ये तीन ऊन कलरफुल ऊन है तीन, ये मैंने फोर प्लाई की ऊन यूज करी है। और ये सिंपल नीटिंग वूल है व्हाइट कलर की, आप चाहो तो मोटी वाली भी यूज कर सकते हो फोर प्लाई ऊन, या फिर आप इन्हें ये पतली वाली ऊन यूज कर सकते हो। इसमें आप ऊन कोई से भी यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास है, जो भी कलर आपके पास है वो लगा सकते हो। देखिए सबसे पहले तोरण पट्टी बनाना बता देती हूँ। तोरण पट्टी मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई है, क्योंकि उसके ऊपर से फूल मुझे लगाने हैं। इस तरह से नोट बना लेंगे। सिंपल नीटिंग वूल है व्हाइट कलर की, आप चाहो तो फोर प्लाई ऊन से भी बना सकते हो। इसमें चेन बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इस तरह से 12 चेन बना लेंगे। ऊपर से तीन चेन छोड़ के एक दो तीन, चौथे वाले में डबल क्रोशिया बना देंगे। तीन चेन से भी एक डबल क्रोशिया हो जाता है, फिर ये सारे में हमें एक एक डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। इस तरह से सारे में एक ही डबल क्रोशे बना लेंगे, सारी चेन में। बिल्कुल प्लेन ही बनाई है मैंने तोरण पट्टी। ये देखिए इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बता देते कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, टोटल हमारे 10 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएंगे। इसमें सिंपल ही है बिल्कुल, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, घूम जाएंगे यहाँ से तो सारी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सारी चेन में, छोड़नी नहीं है कोई भी चेन। अब हमारे ये 10-10 डबल क्रोशिया ही रखने हैं, ऐसे प्लेन तोरण पट्टी बनानी है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से प्लेन प्लेन बनाते चले जाएंगे। फिर से तीन चेन बना लेंगे यहाँ पे, एक दो तीन, फिर से घूम जाएंगे इधर तो सारी चेन में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ही है सारी तोरण पट्टी, हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। इस तरह से प्लेन 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 मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ऊपर हमें इसमें फूल लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से प्लेन प्लेन बना लेंगे तोरण पट्टी। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए तोरण पट्टी मैंने बना ली है, 24 इंच की तोरण पट्टी बनाई मैं, 24 इंच की। आप लंबाई अपने हिसाब से बना लेना, जितनी आपको चाहिए, छोटी बड़ी आपको जो करनी है। सिंपल ही बनाई है बिल्कुल प्लेन प्लेन। देखिए इस पर येलो कलर का बॉर्डर किया है मैंने, यहाँ सिंगल क्रोशिया बना दिया, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के ये वाला पार्ट हमें छोड़ना है, जो ये डबल क्रोशिया हमारे साथ साथ आ रहे हैं, बिल्कुल एक छोड़ के दूसरे वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बनाई है मैंने, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, एक छोड़ के, एक लाइन छोड़ के आगे वाली में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कोने वाला आ गया, कोने वाला एक चेन बना के यहाँ आ जाएंगे कोने वाले में। तो यहाँ पे कोने में तीन सिंगल क्रोशिया बनाने, एक दो, एक और बना देंगे तीन, तीन सिंगल क्रोशिया, और साइड में यहाँ पे सब में एक एक सिंगल क्रोशिया। दूसरी साइड भी ऐसे ही बनाया मैंने। ये देखिए इस तरह से यहाँ कोने पे से मैंने शुरू किया था, एक सिंगल क्रोशिया इसमें है, तो अभी इसमें हम दो और बना देंगे, एक दो, और इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारी तोरण पट्टी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस पे बॉर्डर भी कोई भी कलर का बना सकते हो, तीनों कलर में से मैंने येल्लो कलर का बनाया है। ये देखिए इस तरह से तोरण पट्टी कम्प्लीट हो गई। अब इसमें लगाने के लिए फूल बनाने, फूल बताती हूँ कैसे बनाने।
देखिए, फूल बनाने के लिए येलो कलर लिया है मैंने। तीन कलर के फूल बनाए हैं, येलो, पिंक और स्काई ब्लू। ये देखिए, इस तरह से नोट बना लेंगे। इसमें हमें 50 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं बना लेती हूँ इसमें 50, 50 चेन। देखिए, इसमें मैंने 50 चेन बनाई है, 50 टोटल। अब देखिए, यहाँ पे पहली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसमें देखिए, क्रोशिया मैंने 2.5 mm का यूज़ किया है, 2.5 mm का यूज़ किया है। सिंगल क्रोशिया बना लिया पहली चेन में। यहाँ पे 4 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 चेन बना ली। अब देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 4 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। 3 चेन छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये रिपीट करना है इस वाली लाइन में, 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए, पूरी लाइन में यही रिपीट करना है। ये मैं बना लेती हूँ अभी। ये देखिए, लास्ट में आ गए हम। 4 चेन बना ली मैंने यहाँ पे। अब लास्ट में हमारी 4 ही चेन बच जाएंगी, 1, 2, 3, 4। चौथी वाली चेन में यहाँ पे लास्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये वाला राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, 1, 2। यहाँ से घूम जाएंगे। अब इसमें पहले वाले गैप में इसमें यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन काउंट नहीं करनी है इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेन से अलग 10 डबल क्रोशिया हो गए इसमें। अब 2 चेन बना लेंगे फिर से, 1, 2। इसी वाले इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच बना दिया। अब नेक्स्ट वाले इसमें आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले गैप में, अगले वाले गैप में स्लिप स्टिच बना के आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए, एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से ये पहली पैटल हमारी इस तरह से बनेगी। अब दूसरी वाले देखिए, नेक्स्ट वाले इसमें आ गए। यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3। 3 चेन बना के अब हमें इसमें ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। इसमें हमने डबल क्रोशे बनाए थे, ये एक ही बनेगी इस तरह की। अब सारी अलग बनेंगी। ये देखिए, यहाँ से 3 चेन बना ली हमने। अब यहाँ पे हमें 1, 2 दो बार लूप लेना है, क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो देखिए, ट्रिपल क्रोशे कैसे बनाते हैं। एक बार में 2 धागे निकालेंगे, एक बार हो गया। फिर से 2 धागे निकालेंगे, 2 बार हो गया। फिर से 2 धागे निकालेंगे, 3 बार हो गया। इसलिए ट्रिपल क्रोशिया है। एक बन गया हमारा, लूप लिया 2 बार, फिर से ट्रिपल क्रोशिया। अब इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाने, 2 बार हो गया। इस तरह से बनाने, 3 बार, और ये हो गया 4। 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के इसमें अब देखिए, ऊपर 2 चेन बना लेंगे, 1, 2। तो यहाँ पे हमें पिकॉट बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। 2 चेन बना ली हमने इसके। देखिए, यहाँ पीछे की साइड इस वाले धागे में यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागा निकालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे। ये पिकॉट बन जाता है यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं 4। हमें इधर भी हमने 4 बनाए, अब इधर भी हमें 4 ही बनाने हैं। 1, 2, 3, 4। 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, 4 इधर 4 इधर। अब 3 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3। 3 चेन हमने इधर भी बनाई थी शुरू में, अब यहाँ भी बनानी है इसके लास्ट में। इसी वाले इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले इसमें आ जाएंगे गैप में स्लिप स्टिच बना के। ये तो इसी तरह से बनाने हैं अब हमें। ये देखिए, यहाँ पे ये पत्ती हमारी इस तरह से, ये वाली शेप बनेगी अब हमारी। ये पेटल्स की रोज फ्लावर है, गुलाब का फूल,
देखिए इस तरह से पेटल बनानी है अब हमें सारी। एक और बता देती हूँ, इसमें आ गए हम स्लिप स्टिच बना के, नेक्स्ट वाले इसमें तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन हो गई। ट्रिपल क्रोशे बनाना चार बार, दो बार लूप ले लिया, इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पर हमें पिकॉट बनाना है, दो चेन बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए जो पहली वाली चेन बनाई है इसके पीछे होता है ये वाला धागा, यहाँ पे इसमें से स्लिप स्टिच बना देंगे, इस तरह से पिकॉट बन गया। फिर से चार ट्रिपल क्रोशे, दो बार लूप लेना है, इस तरह से चार ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे फिर से, एक दो तीन, ये हो गए चार, चार चार हो गए दोनों साइड। अब यहाँ पे तीन चेन बनाई थी शुरू में, लास्ट में तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, तीन चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे इसी वाले इसमें। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। अब नेक्स्ट वाले गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के, फिर से ये रिपीट करना है, तीन चेन बना लेंगे, चार ट्रिपल क्रोशिया, फिर पिकॉट बनाना दो चेन बना के बीच में, फिर से चार ट्रिपल क्रोशिया और फिर लास्ट में तीन चेन। ये देखिए इस तरह से ये वाली पत्तियां हमारी इस तरह से बनती चली जाएंगी। बहुत इजी सा डिजाइन है और बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। इस तरह से ये इसी तरह से सारी पत्तियां हमें बनानी है। ये मैं बना लेती हूँ सारे गैप में। ये देखिए फूल हमारा बन गया, बता देती हूँ। देखिए एक स्टार्टिंग में ये वाली पेटल बनाई हमने गोल वाली शेप की, और ये पिकॉट बना के इस वाली शेप की बनाई है। टोटल देखिए हमारी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह पेटल से टोटल हमारी। यहाँ से धागा बड़ा कट करना है, इसी से हम सिलाई कर देंगे। लास्ट में देखिए मैंने लास्ट में बता देती हूँ, सेम ही बनाया बिल्कुल, चार ट्रिपल क्रोशे बना के इधर की साइड और तीन चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे लास्ट में, सेम ही है बिल्कुल, इसलिए मैंने बना लिया। देखिए धागा एडजस्ट कर देंगे सुई से इधर वाला, ये देखिए इसकी सिलाई बताती हूँ कैसे करनी है। ये सीधी साइड है हमारी, तो इसकी सिलाई हमें ऐसे उल्टी साइड से करनी है। ये हमें इस तरह से अंदर की साइड रखना है, अंदर से जो ये वाली साइड दिखे इसकी उल्टी वाली साइड दिखे, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ से उल्टी साइड है, इस फूल में उल्टी साइड दिखेगी, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा फूल बनके तैयार हो गया। तो ये मैंने तीन कलर में बनाए हैं, तोरण पट्टी में लगाने के लिए बनाए हैं, इसलिए मैंने तोरण पट्टी प्लेन बनाई है। तो अब नीचे लटकन के लिए फूल और बता देती हूँ कि कैसे बनाने हैं। नीचे लटकाने के लिए मैंने अलग डिजाइन में फूल बनाए हैं। देखिए नीचे लटकाने वाले फूल बनाए मैंने, वो भी रोज फ्लावर बनाए हैं। देखिए इस व्हाइट कलर से बनाएंगे, पहले मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से नीचे से धागा ले लेंगे इसके,
क्रोशिया हुक में ले लेंगे धागा, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन का एक डबल क्रोशिया हो गया। तो अब हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं मैजिक रिंग में। एक हो गया हमारा तीन चेन से, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें हमें टोटल। एक तीन चेन से हो गया, तेरह डबल क्रोशिया हो गए, टोटल चौदह हो गए। ये मैजिक रिंग बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जो तीन चेन बनाई थी यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे सर्कल को इस तरह से। देखिए एक सर्कल बन गया हमारा। अब यहाँ पे तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन से एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी वाले में एक और बनाना है हमें, तो सारी चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं इस बार हमें इस राउंड में। एक तीन चेन से हो गया, एक इसी में और बना देंगे, दो हो गए। देखिए एक में दो डबल क्रोशिया लूप लिया। अब आगे वाली चेन में दो डबल क्रोशिया, एक एक और बना देंगे इसी में ही, दो लूप लिया। अब आगे वाली चेन में दो डबल क्रोशिया, एक लूप लेके एक और बना देंगे दो। तो सारी चेन में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं इस वाले राउंड में। ये बना लेती हूँ। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, सारे में दो दो डबल क्रोशिया बना ली। तो इसमें टोटल 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 28, पहले 14 थे अब 28 हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो तीन चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे तीन चेन जो बनाई थी। अब यहाँ पे फिर से हमें तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। ये देखिए तीन चेन बना ली, तीन चेन से एक डबल क्रोशिया हो गया, लूप लिया। अब इसी वाली चेन में एक और बना लेंगे, इसी वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक में हमें दो बनाने हैं, इसमें दो हो गए। अब आगे वाली चेन में हमें यहाँ पे एक ही बनाना है, एक इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक चेन में एक ही बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें दो हो गए, इसमें एक हो गया। अब अगले वाली में हमें दो बनाने हैं, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें, एक एक और बना लेंगे इसी में ही दो। अब आगे वाली में हमें एक ही बनाना है, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आगे वाली में दो बनाने हैं, एक एक और बना लेंगे दो, आगे वाली में एक बनाना है। तो इस ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, एक में दो डबल क्रोशिया और एक में एक, एक में दो एक में एक, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे ये वाला। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, लास्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमने शुरू में दो बनाए थे। इस राउंड में हमारे 42 42 डबल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल। यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे सर्कल को। ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इसको इस तरह से। फिर से तीन चेन बना लेंगे, एक राउंड और बनाना है, एक दो तीन, तीन चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी में एक और बनाना है, इसी वाले इसमें एक और बना लेंगे, एक में दो बनाने हैं इस तरह से। पहले वाले में हमने दो बना लिए इसमें, अब आगे वाली चेन में एक बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली में भी एक ही बनाएंगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो एक में हमने हमें दो बनाए थे, अब इसमें अलग अलग दो बनाए हैं, एक दो अलग अलग चेन में। अब आगे वाली चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी में दोबारा बनाएंगे दो, दो डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे वाली में हमें यहाँ पे एक बनाना है, एक डबल क्रोशिया, एक बार और एक ही बनाएंगे आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए दो बार एक एक हो गया। अब आगे वाली चेन में दो बार बनाना है, एक में एक दो, दो बार डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में एक बार, अब इस वाली चेन में भी एक बार, अब आगे वाली में दो बार, एक एक बार और बना लेंगे दो। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है, एक में दो बार, दो में एक एक बार, एक में दो बार, फिर एक बार, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर दो बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर दो बार, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है हमें। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें हमारे 56 डबल क्रोशिया हैं, 56। यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। इस तरह से हमें एक सर्कल बनाना है ये बस। इसमें देखिए एक दो तीन चार, चार राउंड हमने निकाले।
यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के धागा कट कर देंगे। इतना बड़ा हमें सर्कल बनाना है फूल के लिए। ये धागे एडजस्ट कर देंगे सुई से। ये देखिए इसमें आप स्काई ब्लू कलर से आउटलाइन बनाएंगे इसका बॉर्डर। ये देखिए कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो आप इसे, किसी भी चेन में से। यहाँ से कर लेते हैं, पहले एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आगे वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बना लेंगे। आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे, एक चेन बना लेंगे। स्लिप स्टिच बना लेंगे सारी चेन में एक एक, और एक चेन बनानी है बीच में। स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाना है और एक चेन बनानी है। इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है पूरा, स्लिप स्टिच और एक चेन। इस तरह से पूरे सर्कल पे हमें आउटलाइन बनानी है, पूरे सर्कल पे बॉर्डर बनाना है इस तरह से। इस तरह से ये मैं बना लेती हूँ पूरे पे। ये देखिए मैंने बना दिया पूरा। यहाँ लास्ट में मैंने एक चेन बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे धागा कट कर देंगे। अब ये ज्वाइन नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये गैप है थोड़ा सा, ये हम सुई से करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सर्कल रेडी करना है। अब देखिए इसको फूल बनाने के लिए फोल्ड कैसे करेंगे। ये सीधा, ये सीधी साइड है हमारी, इस तरह से उल्टा करना है इसको। इस तरह से उल्टा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे टाइट सा ही फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से ही फोल्ड हो गया। ये हमारा सेंटर पार्ट है, ये दिख रहा है आपको बीच वाला, यहाँ से हमने शुरू किया था। अब देखिए इसको व्हाइट धागे से बांध लेंगे। इसको देखिए बांधना कहाँ से है, ये हमारा बीच वाला पार्ट है, तो बीच में से हमें नहीं बांधना, इससे नीचे ये पहले वाले पार्ट में से यहाँ पे बांध देंगे इसको। तो टाइट सा नोट बांधेंगे इस तरह से, बीच में से नहीं बांधना है, ध्यान रखना है बीच में से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे टाइट बांध देंगे इसको। ये देखिए ये बंध गया। नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, नीचे वाला पार्ट कम है ऊपर ज्यादा है। अब देखिए यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, उल्टा कर देंगे इसको यहाँ से नीचे की साइड। ये देखिए इस तरह से अच्छे से खोल देंगे ये। ये हमारा रोज फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छी सी शेप आ जाएगी इस तरह से। ये देखिए ये फूल बनके हमारा रेडी हो गया। इस तरह से मैंने देखिए स्काई ब्लू, येलो, पिंक सारे कलर के बॉर्डर बनाए हैं मैंने, जो हमने उसमें यून, ये जो कलर हमने उसमें तोरण में यूज करे हैं फूल में ऊपर, नीचे भी मैंने यही कलर के बॉर्डर बनाए सारे। अब देखिए इनको अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करना बताती हूँ, और टोटल इसमें कितने फूल लगेंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें। ये देखिए तोरण पट्टी में मैंने फूल अरेंज कर दिए, नीचे लटकन भी बना दिए। तोरण पट्टी में मेरे 9 फूल लगे हैं, ये वाले 9 फूल बनाने हैं आपको। बड़ी बनानी है तो और ज़्यादा लगेंगे। ये मैंने इसमें कोई फिक्स गैप नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बराबर बिल्कुल पास पास रख के मैंने लगाया, जितने पास हो सकते हैं। देखिए बीच में गैप नहीं छोड़ा मैंने, ऐसे ही रख के सारे में जितने भी आए हैं तोरण पट्टी में इसमें मैंने लगा दिए।
तोरण पट्टी 24 इंच की है, 24 इंच की, इसमें 9 फूल लगे हैं ये वाले। और नीचे लटकन में देखिए, एक जो मैंने ये अलग अलग पेयर बनाए लटकन के, एक में इस तरह से एक लटकन बन के ये कंप्लीट है, तो एक में हमारे ये 7 फूल लगे हैं, ये वाले रोज़ फ्लावर 7 लगे हैं। और ये मैंने 4 लगाई हैं, तो हमारे ये 28 फूल लगेंगे, 28, ये वाले 28 फूल और ये वाले 9 फूल। तो इन्हें देखिए लगाना मैं आपको बताती हूँ, सिंपल तरीके से ही लगाने हैं बिल्कुल। इनमें मैंने मोती लगाए हैं ये 10 mm के, 10 mm के, और नीचे मैंने 5 mm के मोती यूज़ किए हैं, 5 mm के, और ये 10 mm के बड़े वाले। देखिए इसमें पहले मोती लगा लेंगे, इसी धागे से इसमें सिलाई कर देंगे इसकी। ये देखिए इस तरह से सिंपल सिलाई करी है मैंने फूलों की, ये हो गई। इसी तरह से सिलाई करनी है सारे फूलों की। नीचे लटकन बताती हूँ कैसे लगानी है। देखिए ये जो येलो वाला बॉर्डर है हमारा, ये वाला, ये बॉर्डर की ये बनाई है मैंने लाइनें। तो देखिए यहाँ कोने में मैंने, यहाँ कोने में बिल्कुल कोने में नहीं लगाया है, पीछे भी नहीं लगाया है, यहाँ कोने पर कोना छोड़ के, ये वाला कॉर्नर छोड़ के यहाँ से मैंने लगाना शुरू करे हैं। तो यहाँ से लगाएंगे, एक यहाँ लगेगी लटकन हमारी, देखिए यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, एक यहाँ लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 सारे में एक एक लगेगी लटकन। यहाँ पर छोड़ना नहीं है बीच में से कोई भी। ये येलो वाला जो बॉर्डर है इसका मैं बता रही हूँ आपको, येलो वाला जो बॉर्डर बना है, फिर से बता देती हूँ, कॉर्नर वाला छोड़ना है हमें, पीछे से भी छोड़ना है आगे से भी। यहाँ से शुरू करेंगे लगाना, एक इसमें लगाएंगे फूल, 1 2 इसमें भी सारे में लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एक साइड हमारे, एक इसमें पेयर में हमारे 7 लटकन लगेंगी, एक इसमें लटकन बन के कम्प्लीट होगी जो हमारे सारे कलर की, एक में हमारे में 7 लगेंगी। बीच में ये एक डिज़ाइन हमें छोड़ना है दूसरा शुरू करने के लिए, यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पे ये एक डिज़ाइन हमें छोड़ना है, फिर दूसरा शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने लगा रखे हैं, देखिए जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 सारे में एक एक लटकन मैंने लगाई है, ये देखिए यहाँ तक 7 हो गई। फिर बीच में एक डिज़ाइन हमें छोड़ना है, येलो वाला जो बॉर्डर है ये हमारा, ये वाला एक बॉर्डर छोड़ना है, फिर आगे से शुरू कर देंगे। यहाँ से देखिए मैंने लगा रखा है एक बॉर्डर छोड़ के, फिर यहाँ से येलो वाले में से, तो सारे में हमें एक एक लटकन लगानी है। एक डिज़ाइन में हमारे में 7 फूल लग रहे हैं, तो एक डिज़ाइन कम्प्लीट होने के बाद फिर एक डिज़ाइन, एक ये बॉर्डर हमें छोड़ना है येलो वाला, यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक लाइन छोड़ के येलो वाली आगे से शुरू करेंगे। तो देखिए मैं आपको लगाना बताती हूँ कैसे लगाना है। यहाँ से शुरू करेंगे लगाना, कोने वाला छोड़ना है, पीछे से भी मैंने छोड़ा है, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए इसमें मैंने नीचे 5 mm के मोती यूज़ करें, तो धागे में एक नोट बना लेंगे, इस तरह से एक मोती ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से एक मोती लेके नीचे हमें यह नोट बनाना पहले, क्योंकि हम फूल लगाएंगे तो इससे फूल रुक जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ब्लू कलर का फूल लिया है, ये देखिए ब्लू कलर का, ये यहाँ से लेंगे धागे सुई को, बीच में निकालेंगे इस तरह से, ये जो मोती हमने नीचे लगाया है इससे ये फूल रुक जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो पहले वाले में हमें 10 मोती डालने हैं, ब्लू कलर के फूल में 10 मोती। ये देखिए इसमें मैंने 10 मोती डाल लिए, ब्लू कलर का फूल लगाएंगे पहले, कलर आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से। ये देखिए कोने वाला हमें छोड़ना है, कॉर्नर पे हमें नहीं लगाना है फूल, आगे वाले में इसमें लगाएंगे।
ये देखिए एक इसमें लग गया, अब आगे वाले में दूसरे वाले में बीच में गैप नहीं छोड़ना है, एक डिजाइन के बीच में हमें गैप नहीं छोड़ना। एक में लगा दिया, अब आगे वाले में लगाएंगे। तो ये मैं लटकन बना लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए दूसरे वाला येलो कलर का फूल है दूसरे में। पहले में हमने 10 मोती डाले, दूसरे में मैंने 20 डाले। नीचे मोती का मोती में नोट बना के इस तरह से फूल रुक जाएगा। हम 20 मोती डाले हैं इसमें, लगाएंगे दूसरे वाले में। पहले वाले में लगा दिया, अगले वाले में यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए पिंक वाले मैंने 30 मोती डाले, 10 20 30, 10 10 मोती का गैप रखा है मैंने। आगे वाले इसमें लगा देंगे। देखिए बीच में ब्लू वाला लिया मैंने, फिर से ब्लू वाला 2 बार यूज़ किया। ये बीच में 40 मोती हैं इसमें, 10 20 30, ये देखिए 10 20 30, अब इसमें 40 मोती हैं। इसके बाद से फिर कम करेंगे, अभी हमने मोती बढ़ाए हैं, अब इसके बाद हम कम करेंगे। देखिए ब्लू वाले के बाद फिर से पिंक वाला लगाएंगे। पिंक वाले में 30 मोती डाले मैंने, देखिए पिंक वाले में 30 मोती डाले मैंने। ये ब्लू वाले में 40 है हमारे, तो इसमें देखिए इधर के साइड पिंक में 30 है, तो अब यहाँ पे कम करेंगे हम। इसमें 30 है तो यहाँ पे भी 30 ही रखेंगे। बीच में 40 मोती रखे हैं मैंने, अब देखिए यहाँ पे लगा देंगे इसको। देखिए येलो वाले में 20 मोती डाले हैं, इधर की साइड भी 20 मोती है येलो वाले में, इधर की साइड भी 20 ही रखेंगे। देखिए एक डिजाइन में ब्लू वाला और लगाना है, इसमें 10 मोती है। शुरू में भी हमने 10 मोती लगाए थे ब्लू वाले में, ये डिजाइन यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक डिजाइन। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमारे एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। एक में हमने 7 मोती ये लगाए फूल इस तरह से। पहले 10 10 मोती ब्लू वाले में, इस इधर से बता देती हूँ, 10 20 30, बीच में 40, ये ब्लू वाला 40 बीच में, फिर यहाँ से कम करेंगे 30 20 10। इस तरह से एक डिज़ाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से मैंने 4 डिज़ाइन बनाए, तो मैं आपको भी पूरा दिखाती हूँ अभी फाइनल। बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद, तो और बहुत ईजी सा डिज़ाइन है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए हमारा तोरण बन के कम्प्लीट हो गया। ये मैंने आपको बताया था एक डिज़ाइन में कम्प्लीट हमारे 7 फूल लगे नीचे वाले लटकन वाले इस तरह से। फिर बीच में हमें एक खाली छोड़ना है, एक में नहीं लगाना, फिर दूसरा डिज़ाइन शुरू करना है। इस तरह से मैंने इसमें 4 डिज़ाइन बनाए हैं, एक डिज़ाइन में 7 फूल है हमारे, तो इसमें टोटल 28 फूल लगे नीचे। ये देखिए इस तरह से लटकन बनानी है, और ऊपर तोरण पट्टी में मैंने फूल ऐसे ही लगाए हैं, कोई फिक्स नाप के नहीं लगाए कितनी दूर, सारे इकट्ठे ऐसे ही गैप नहीं छोड़ा बीच में, सारे ऐसे ही लगाए मैंने। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद, और बहुत जल्दी बन जाएगा, इजी सा डिज़ाइन है एकदम, बिगनर्स भी बना लेंगे, जरूर ट्राई करना दिवाली के लिए। इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसकी मैंने 24 इंच की तोरण पट्टी बनाई है, तो आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप एक पेयर इसमें एक डिज़ाइन और बढ़ा सकते हो, इस तरह से ये बड़ा बन जाएगा। देखिए बहुत ईजी सा डिज़ाइन है,